छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बुधवार को दिल्ली में दिनभर चली कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार देर शाम इसकी घोषणा की है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि हैं तैयार हम महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा मैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक जिम्मेदारी दी है। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, गहरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया, कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपने क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। एक तो सरकार ने जो काम किया और जितनी एकजुटता हो सके सब मिलके हम लोग फिर से काम करें। पिछले बार अप्रत्याशित नतीजे आए थे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 68 सीटें मिल पाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाता थे जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया और पुनः 5 साल पूरे होने के बाद हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना चाहेंगे। पूरे मन से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है, आगे भी हम काम इसी तर्ज पे करते रहना चाहेंगे। बस उसी के लिए मौका मांगने का समय है, तो 6 महीने का समय है, कम भी रहता है, काफी भी रहता है, इसमें हम लोग को सफल